हरी शरणम। उखल में बंधे हुए दामोदर भगवान ने सोचा कि जब मैया दूसरी तरफ देखती हैं, तब हम भी क्यों न दूसरी तरफ देखें। अद्रक्षी दर्जनौ, भगवान की दृष्टि वहां गई जहां नंद बाबा के पूर्व दरवाजे के बाहर अर्जुन के दो वृक्ष लगे हुए थे। ये कौन है? पूर्व गुहकौ, पहले ये बड़े यक्ष थे और कुबेर जी के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव, दोनों बड़े सुंदर थे। भगवान ने सोचा कि एक अर्जुन तो कुरुक्षेत्र में मिलने वाला है और दूसरा अर्जुन मेरा सखा ग्वाला है। ये दोनों भी अर्जुन हैं, फिर मेरे सखा के नाम वाले भी जड़ योनि में रहे, यह मुझे सह्य नहीं है। ये दोनों नारद के साप से वृक्षत्व को प्राप्त हुए हैं। हाँ। और राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज, नारद जी ने उनको क्यों साप दिया? क्या इन्होंने कोई ऐसा निंदित कर्म किया था जिससे देवर्षि नारद जी को क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक तो ये कुबेर के जैसे धनी बाप के बेटे थे, धनदात्मज, दूसरे संहार के देवता रुद्र के सेवक थे, अनुचर थे, इसीलिए उनको बड़ा घमंड हो गया। वे कैलाश में गए, वहाँ वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए और स्त्रियों के साथ गंगा जी में, जहाँ भगवान का भजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। इसी बीच में उनके लिए भगवान की कृपा जगी। हाँ, यहाँ जद्रुच्छया च, यहाँ जद्रुच्छया शब्द का अर्थ केनापि सौभाग्येन ऐसा नहीं करते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह अर्थ करते हैं कि भगवान की अनिर्वचनीय कृपा से जब भगवान ने संकल्प किया कि इन जीवों का उद्धार हो जाए, तब देवर्षि नारद वहाँ पहुँच गए और उन्होंने समझ लिया कि ये पागल हो गए। देवर्षियों को देखकर नारद, देवर्षि को देखकर स्त्रियां तो भाग गई और उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, पर मदिरा में उन्मत्त हुए श्री मदांध नलकुवर मणिग्रीव नंगे ही रहे। इसीलिए नारद जी ने उनको ऐसा साप देने का विचार किया जिससे उनके अंदर स्वधर्म का आविर्भाव हो जाए। तयो रनुग्रहार्थाय अनुग्रहाय अर्थाय च। अनुग्रह और अर्थ क्या है? जिस देवता की भक्ति हमारे हृदय में है, उसकी भक्ति तुम्हारे हृदय में भी आ जाए, तथा जो मंत्र हम जपते हैं वो तुम भी जपो, इसका नाम है अनुग्रह। अर्थाय का अर्थ यह हुआ कि इसको फल की प्राप्ति अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ये दोनों संकल्प करके ही देवर्षि नारद जी ने साप देने का विचार किया और यह भी ध्यान में रखा कि साप देते समय कहीं क्रोध न आ जाए। नारद जी ने मदांध नलकुवर और मणिग्रीव को साप देते हुए कहा कि जाओ, पेड़ हो जाओ, श्रुति ही श्यान मत प्रसादेन, वहाँ मेरे प्रसाद से तुम्हें भगवान की स्मृति होगी। मदनुग्रहात वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा, मेरे अनुग्रह से तुमको भगवान मिलेंगे, फिर तुम लोग देवता हो जाओगे और तुमको भक्ति की प्राप्ति होगी। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि मुझे तो अब अपने गुरु जी के आश्रम की ओर चलना चाहिए। नारायण आश्रमम, एक ही नारायण नारद जी के इष्टदेव और गुरुदेव दोनों हैं। बीच में बाप ब्रह्मा आए थे, परंतु उन्होंने कह दिया कि जाओ नारायण के पास। नारद जी ने सोचा कि मैंने नलकूबर मणिग्रीव को साप देते समय कहा कि तुमको भगवान मिलेंगे,
किंतु यदि कहीं भगवान न मिले तो क्या होगा, इसीलिए चलो उनके उनको मनाए। यदि मन में क्रोध आएगा तो अपने गुरुदेव के आश्रम में जाने पर शांति मिलेगी। अब नारद जी नारायण आश्रम पहुंच गए और इधर नलकूप और मणिग्रीव यमलार्जुन हो गए। भगवान अपनी बात भले ही झूठ कर दे, लेकिन अपने भक्त की बात कभी झूठी नहीं करते। भगवान जैसा भक्त वत्सल, भक्त परतंत्र, भक्त भक्तिमान तो और कोई है ही नहीं। वे स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। अतः नारद जी का वचन सत्य सिद्धि करने के लिए भगवान वहाँ धीरे धीरे चलकर आए जहाँ अर्जुन जुगल थे। जगाम सनक तत्र जत्रास्तां यमलार्जुनौ। भगवान विचार करते हैं कि देवर्षि नारद हमारे बड़े प्यारे हैं और ये दोनों मेरे भक्त धनद कुबेर के पुत्र हैं, इसीलिए नारद जी ने जैसा कहा है वैसे ही मैं करूँगा। इत्यंतरेण अर्जुन योः कृष्णस्तु जमयोरजजौ। लोग भगवान से कहते हैं कि आप हमारे अंतर में आओ, हम तुमको अपने अंतर में बसाते हैं, लेकिन ये वृक्ष तो भगवान के अपने अंतर में ला नहीं सकते, इसीलिए भगवान ने विचार किया कि चलो मैं ही इनके अंतर में चलता हूँ। जब भगवान ने दोनों के अंतर में अर्थात मध्य में प्रवेश किया तब उखड़ टेढ़ा हो गया। वो तो खल था ही, खल का स्वभाव है टेढ़ा होना, परंतु उसके लिए लाभ की बात यह थी कि वो एक गुण के द्वारा भगवान के साथ बंध गया था। यहाँ देखो केवल भगवान ही लोगों का उद्धार नहीं करते, उनकी कमर में जो रस्सी बंधी है वो भी उद्धार कर सकती है। और रस्सी के बाद छोड़ो, उस रस्सी में बंधा हुआ यदि खड़ भी हो, उखड़ भी हो, और यदि वह भगवान के पीछे जा रहा हो तो उसमें भी वृक्ष शरीर के जड़ और जमलार्जुन शरीर के दुष्टों का उद्धार करने का सामर्थ्य आ जाता है। जहाँ कौमुदीक न्याय से यह बताते हैं कि जब भगवान ने बंधी रस्सी और उनका अनुगमन करने वाला उखड़ में जीवों का उद्धार करने का इतना सामर्थ्य है, तब देवर्षि नारद जी आदि के उद्धार सामर्थ्य का वर्णन कौन कर सकता है। जब भगवान से संबंधित रस्सी और उखड़ जैसी चीजों से शराबी जुआरी परस्त्रीगामी अभिमानी और महात्माओं का तिरस्कार करने वालों का भी कल्याण हो सकता है, तब संसार के मनुष्यों कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें अपने उद्धार के बारे में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे उद्धार का द्वार हर हालत में खुला हुआ है। जब तरसोत्कलितांग्री बंधो भगवान की कमर की रस्सी से बंधा उखड़ जमलार्जुन के बीच में आया, तब उनका बंधन हमेशा के लिए कट गया और वे प्रचंड शब्द करके धरती पर गिर पड़े। उनमें से दो देवता निकले, कुजयोरिव जात वेदाहा। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वे निर्मल चित्त से बद्धंजलि होकर प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे महायोगी कृष्ण कृष्ण। देखो कृष्ण नाम में इतनी मिठास है कि उसे एक बार बोलो तो वो दो बार निकलता है। यह कृष्ण नाम मधुरिमा का बमन करता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, न जाने जनिता कियद भी अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी। तो उन देवताओं ने कहा कि हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायोगिन, आप तो दित्य प्राप्त है और संपूर्ण व्यक्ता व्यक्त आपका ही स्वरूप है। ब्राह्मण लोग इस बात को जानते हैं, सबके देह आत्मा और इंद्रियों के स्वामी आप ही हो, आप ही काल हो, विष्णु हो और प्रकृति आदि के स्वरूप में भी आप ही हो। प्रकृति नाम परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी का नहीं है। हम उस वासुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं जो स्वयं दिया बनकर हृदय में बैठ गया है और जिसने अंतकरण तथा विषयों को प्रकाशित करके
उन्हीं से अपने आप को ढक लिया है। परमात्मा ने अपने आप से प्रकाशित विषयों के द्वारा ही अपनी महिमा ढक ली है। अवतारों का ज्ञान इसीलिए हो जाता है कि उनके समान दूसरे कोई नहीं होते। हम जानते हैं कि आप इस समय अवतीर्ण हो गए हैं। हे परम कल्याण, हे परम मंगल, आपको हम नमस्कार करते हैं। देखो, कल्याण फलात्मक है और मंगल साधनात्मक है। भगवान ही साधन है और भगवान ही फल है। देवता कहते हैं कि प्रभु आप हमें अनुज्ञा कीजिए, किंतु भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं। वे तो उल्टे हुए ऊखल पर पांव लटका कर ऐसे बैठ गए हैं जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो। पीछे की ओर उनकी कमर में बंधी रस्सी लटक रही है। देवताओं ने कहा कि प्रभु इसी रस्सी के अनुग्रह से हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, अन्यथा हम में कोई साधन बल नहीं है। हम यह चाहते हैं कि हमारी वाणी आपके गुण का अनुकथन करे। वाणी गुणानुकथनी। यदि कहो कि पहले गुणानुकथन का ही नाम क्यों लिया, यह क्यों नहीं कहा कि हमारी आंख आपका दर्शन करे, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे सगुण भगवान होते हैं, वैसे ही उनकी कमर और उखड़ में जो रस्सी है वो भी उनका ही गुण है। इसीलिए देवता कहते हैं कि आपकी इस रस्सी का गुणानुवाद हमारी वाणी गाती रहे। अगर यह एक और आपकी कमर में और दूसरी और उखड़ में न बंधी होती तो हमारा उद्धार कैसे होता। हमारी परमोद्धारक तो यह रस्सी है, इसीलिए हम आपका गुण नहीं गाते, आपकी इस रस्सी का गुण गान करते हैं। श्रवणो कथायाम। इसका अर्थ है कि हमारे श्रवण कथा में जाए। कथा शब्द प्रकारवाची हैं, वैदिक हैं। ऋग्वेद में कथा रूप प्रयोग की भरमार है। केन प्रकारेण इति कथा, कथम के अर्थ में है। कथा भगवान के स्वभाव को बताती है, इसीलिए यदि भगवान के स्वभाव को, गुण को, तत्व को, रहस्य को समझना है तो उनकी कथा सुनो। हस्तौच कर्मसु, हाथ कर्म में लगे। मनस्तव पादयो नः, मन आपके चरणों की स्मृति में लगे। और शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, शिर संपूर्ण जगत को जो आपका निवास स्थान है प्रणाम करे। देखो, अगर सिर झुका नहीं तो यह अंत में बांस से फोड़ा जाएगा, यही इसकी गति है। अतः इसको झुका ले सबके सामने। अंत में नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं कि भवत तनु नाम दर्शनी, हमारी दृष्टि आपके शरीर का दर्शन करे। प्रभु हम जानते हैं कि आपका शरीर क्या है। सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। इस संसार में जो संत हैं यही आपके शरीर हैं, इन्हीं के रूप में आप विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार जब नलकूबर मणिग्रीव ने संकीर्तन किया तब उखड़ में बंधे भगवान पहले तो हंसने लगे, फिर बोले भाई यह तो बताओ कि मुझे उखड़ पर रस्सी से बंधे हुए देखकर तुमको कैसा लगता है। मुझको मालूम था कि देवर्षि नारद जी ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है। जब श्रीमदंधयोर बाघभीर विध्वंसो अनुग्रह कृत, उन्होंने केवल वाणी द्वारा तुम्हें देव योनि से गिराया है, वस्तुतः तुम्हारे ऊपर करुणा पूर्वक कृपा की है। साधु के दर्शन से बंधन नहीं होता। अब तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति हो और अंत में तुम्हें मुक्ति मिले। अब मैं भी जाता हूँ। नलकूबर मणिग्रीव ने कहा कि नहीं भगवान, ठहरो, हमारा आशीर्वाद सुन लो। त्वं सदा गुणशाली एव भूयः, तुम सदा गुणशाली रहना, निर्गुण कभी मत हो जाना, क्योंकि गुण तुमसे बंधा रहेगा, रस्सी तुमसे बंधी रहेगी तो हमारा शरीखों का उद्धार होता रहेगा। इतना कहकर नलकूबर मणिग्रीव
बद्धो लुखलो महामंत्री बंधे हुए भगवान से अनुज्ञा लेकर उत्तर दिशा में चले गए। महात्माओं के कथनानुसार भगवान की योग माया ने सोचा कि जब तक नलकूप और मणिग्रीव का उद्धार नहीं हो जाएगा उनकी बातचीत पूरी नहीं हो जाएगी और वे अपने लोग चले नहीं जाएंगे, तब तक वृक्ष टूटने की ध्वनि को अवरुद्ध कर देना चाहिए, अन्यथा यदि यह ध्वनि गोकुल में पहुंच गई और लोग आ गए तो नारद जी का अनुग्रह अधूरा रह जाएगा। इसीलिए योग माया ने वृक्ष भंग की ध्वनि को तब तक के लिए प्रतिबद्ध कर दिया और गोकुल नहीं पहुंचने दिया जब तक नलकूवर मणिग्रीव का उद्धार नहीं हो गया।